गढ़वा से दिनेश की रिपोर्ट। 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कन्या मध्य विद्यालय गढ़वा के मैदान में किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कोविड-19 गाइडलाइन के मद्देनजर सुरक्षात्मक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए किया गया। आयोजन स्थल पर मुख्य अतिथि माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। वहीं बेहतर परेड कमांड के लिए सार्जेंट मेजर ओम प्रकाश दास को सम्मानित किया गया। राष्ट्रगान हेतु संगीत कला महाविद्यालय की छात्राओं को सम्मानित किया गया। ड्रम कैटल के लिए SIS बेलचंपा को पुरस्कृत किया गया। वहीं बिगुल ब्रास धुन के लिए सुधांशु को पुरस्कृत किया गया। परेड में शामिल टुकड़ियों में CRPF 172 बटालियन को प्रथम पुरस्कार, NCC SSJS नामधारी कॉलेज को द्वितीय पुरस्कार तथा जिला पुलिस बल को तृतीय पुरस्कार मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री ठाकुर के द्वारा प्रदान किया गया। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रथम पुरस्कार, JSLPS को द्वितीय पुरस्कार तथा शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई झांकी को तृतीय पुरस्कार दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई झांकी में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने वाली नरगिस नाच को विशिष्ट प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया गया। सार्वजनिक झंडोत्तोलन के मुख्य समारोह स्थल में माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार मिथिलेश कुमार ठाकुर के अतिरिक्त उपायुक्त गढ़वा श्री पाठक